हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तान रेंजर्स ने भेंट की सीमा सुरक्षा बल के जवानों को मिठाई। थार नगरी बालाकोट हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास आ गई थी, लेकिन ईद के मौके के बाद फिर से दोनों देशों ने रिश्ते सुधारने की पहल की। पाकिस्तानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शनिवार को राजस्थान के बाड़मेर जिले के बॉर्डर इलाकों में पाकिस्तानी रेंजर्स की ओर से भारत की सीमा सुरक्षा बल के जवानों को मिठाई भेंट की गई। बाड़मेर थार नगरी की सीमा पर पाकिस्तान आज यानी 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पाकिस्तानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शनिवार को राजस्थान के बाड़मेर जिले के बॉर्डर इलाकों में पाकिस्तानी रेंजर्स की ओर से भारत की सीमा सुरक्षा बल के जवानों को मिठाई भेंट। बता दें, बालाकोट हमले के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास आ गई थी, लेकिन ईद के मौके के बाद फिर से दोनों देशों ने रिश्ते सुधारने की पहल की। गुजरात फ्रंटियर सीमा सुरक्षा बल बाड़मेर सेक्टर के DIG विनीत कुमार ने बताया कि शनिवार को बॉर्डर की कई बटालियन में पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रेंजर्स की ओर से मिठाई भेंट की गई है। उन्होंने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में मिठास फिर से घुल रही है। जानकारी के अनुसार मुनाबाफ गडरा फॉरवर्ड पर शनिवार को पाकिस्तानी रेंजर्स ने जीरो लाइन पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को मिठाई भेंट की, जिस पर पाकिस्तानी फ्लैग के साथ ही लिखा हुआ था कि पाकिस्तानी रेंजर्स की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर मिठाई भेंट की जा रही है। इससे पहले ईद के मौके पर भारत और पाकिस्तान ने दोनों ने एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए रेंजर्स और सीमा सुरक्षा बल ने मिठाई भेंट की थी। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकराराम मेघावल की रिपोर्ट।